गृह जनपद बलिया में प्रथम आगमन पर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। बैरिया थाना क्षेत्र के जवदेवा गांव निवासी अधिवक्ता नर्मदेश्वर मिश्र के पुत्र दिनेश कुमार मिश्र ने यूपी पीसीएस की परीक्षा में 61वीं रैंक पाई है। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक के लिए चयनित किया गया है। बैरिया थाना क्षेत्र के जगदेवा गांव निवासी पिता अधिवक्ता नर्मदेश्वर मिश्र ने बताया कि दिनेश की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय रघुनाथ जूनियर हाई स्कूल जगदेवा में हुई। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 1 से 10 तक नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालदेवपुर बलिया में हुई। इंजीनियरिंग उसने हिमाचल प्रदेश से की और वर्तमान में दूरसंचार विभाग के ऑडिट विभाग लखनऊ में कार्यरत थे। 2022 में दिनेश ने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी थी। इसका परिणाम अभी आया है। इनका चयन पुलिस उपाधीक्षक पर हुआ है। दिनेश मिश्र ने बताया कि आगे चलकर उनको यूपीएससी की परीक्षा देनी है जिनमें उनका लक्ष्य आईएएस बनना है। स्वागत के क्रम में अंकल डॉक्टर विजय प्रताप आचार्य प्रदेश उपाधीक्षक हिंदू जागरण मंच शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर आरवीएन पांडे सुनील पांडे जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हिंदू जागरण मंच एवं जिले के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बलिया ही नहीं पूरे बलिया का नाम पूरे देश में किया और सारे लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको पहले बताइए। क्या कहेंगे बेटे की सफलता पर? कितना मेहनत की है? बहुत मेहनत की है। मेहनत आप कितना मेहनत की है अपने बेटे को? हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है जी और मेरा पूरा एजुकेशन 12वीं तक नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से NIT हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ सालों तक काम किया। उसके बाद मैं संचार मंत्रालय में कार्यरत हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। उसके साथ साथ मैंने UPPCS और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी 2022 UPPCS में मेरा डिप्टी SP पद पर चयन हुआ है रैंक 61 के साथ। कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह तैयारी की कि आपने ये रैंकिंग पा सके आप? ये मेरा इसमें चौथा प्रयास था। इसके पहले मैं 2020 में भी एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं था। तो लगभग 4 साल मैंने मेहनत किया इसके लिए और अभी फिलहाल अभी UPSC के लिए कर रहा हूँ। अभी UPSC आगे क्या टारगेट है आपका? हाँ, आगे का ये है कि इस साल अभी UPSC दे रहे हैं तो यही टारगेट है कि मतलब कोशिश यही रहे कि IAS हो जाए और बाकी यही। इस प्रकार की सफलता को किसको श्रेय देंगे? इस प्रकार की सफलता मेरे परिवारजन, खासकर से मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ और एक विजय अंकल जी जो मेरे हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा सहयोग करते रहे हैं, मेरे नागाजी के आचार्य। एक छोटा लड़का हुआ है, माना जा रहा है कि उसके चलते परिवार में खुशी आई है, क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा बोला जाता है कि जो कोई भी पैदा होता है अपना भाग्य साथ में लेके आता है, तो हाँ बोल सकते हैं आप जनपद में आए हैं, आपके स्वागत में तमाम लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे जनपदवासियों से? जनपदवासी आपकी सफलता के सूचना को पा करके काफ़ी उत्सुक हैं, खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे उन जनपदवासियों से इस सफलता पर? जैसे जनपद में कोई भी सफलता ऐसे प्राप्त करता है तो जनपद वालों को खुशी होती है इस बात की कि हमारे यहाँ से कोई ऐसे मुकाम पे पहुँचा। दूसरा ये है कि वहाँ के लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि जब एक आदमी ऐसे जगह पे पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं, तो इस तरह से सबको खुशी होती है। श्रेय किसको देंगे? क्या चीज़ श्रेय किसको देंगे? श्रेय वहीं अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने गुरुजन। जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें कि दोबारा मतलब वो फाइट करके आगे आ सकें? क्योंकि देखिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जैसे क्या होता है कि लोग एक बार एक प्रयास में नहीं होता है तो लोग मतलब थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि कई लोग हैं। जैसे इस बार एक लड़की से मतलब उसका 7वां अटेम्प्ट था, पहली बार उसका प्री निकला और प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ निकल गया। तो ऐसा है कि अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, जैसे कि 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है कि हमको यही करना है तो उसमें भरोसा रखिए, पूरा दम उसमें झोंक दीजिए। किस सब्जेक्ट पे आपका कमांड था सबसे ज़्यादा? सब्जेक्ट वैसे मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बाकी
हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का बराबर महत्व होता है। किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप आगे नहीं जा सकते, किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बहुत अपनी कोई इच्छा जो आप करना चाहते हैं आगे समाज के लिए या फिर एजुकेशन सेक्टर में या सिविल के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए या बलियावासियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सिविल सेवा में इसीलिए आना चाह रहा था ताकि मुझे मतलब सोशल वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पहले मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में था तो मतलब वहाँ पे मुझे इसीलिए छोड़ना पड़ गया कि मुझे सिविल सर्विस में आना था। सिविल सर्विस में मुझे आके मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम करना है और ख़ास करके एजुकेशन में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। धन्यवाद।